एक बार की बात है, मुंबई जैसे बड़े शहर में एक अमीर परिवार रहा करता था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राम प्रकाश की दो बेटियां थी जो मुंबई के ही एक बड़े स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाती थी। ऐसे ही हंसी खुशी पूरा परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सीता और मीना अपने माता पिता को खोने के बाद अपनी दादी के पास मटियाला गांव वापस आ जाती हैं। बिटिया, अब रोना बंद भी करो, जो होना था सो हो गया, हम होने को तो नहीं टाल सकते, तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही लिखा था। दादी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो हमें छोड़कर क्यों चले गए, आपको पता है वो हम दोनों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन अब तो लगता है कि हम मम्मी पापा का यह सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। नहीं सीता, ऐसा नहीं है, हम मम्मी पापा का सपना जरूर पूरा करेंगे। दादी, हम गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करेंगे और आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हम पार्ट टाइम काम भी करेंगे और पढ़ाई भी। मगर बिटिया, इस गांव में तो कोई स्कूल ही नहीं, अगर तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है तो तुम्हें गांव से बहुत दूर जाना होगा और वो स्कूल बहुत ही ज्यादा महंगा है, मुझे नहीं लगता कि तुम उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर पाओगी। दादी की बातें सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि गांव में एक भी स्कूल नहीं और गांव से दूर जो स्कूल है वो इतना ज्यादा महंगा है। लेकिन दोनों बहनों को पढ़ाई करनी थी, वो पढ़ाई को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पहले गांव में कोई काम ढूंढती हैं और उसके बाद गांव के बाहर जो स्कूल था उसमें जाने का फैसला करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दोनों बहनें शाम के समय अपने घर वापस आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स नजर आते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाती हैं। सीता, इस समय यह स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? यह तो स्कूल की छुट्टी होने का भी समय नहीं, और देख तो इतने सारे स्टूडेंट्स, चल उनके पास चलकर पूछते हैं। सीता और मीना उन सभी स्टूडेंट्स के पास जाती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं। मीना, यह क्या है, हम जितना उनके करीब जाते हैं वो बच्चे हमसे उतना ही दूर जा रहे हैं, कभी कभी तो वो आँखों से ओझल भी हो जाते हैं, यह सब क्या हो रहा है? सीता और मीना दोबारा से उन सभी बच्चों का पीछा करती हैं और वो पीछा करते करते जंगलों में पहुंच जाती हैं। जंगलों में वो कहीं गुम हो जाती हैं। उन्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था और वो सब स्टूडेंट्स भी अचानक गायब हो चुके थे। जंगल में जानवरों के दहाड़ने की आवाज आ रही थी, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और वहाँ अजीब अजीब डरावनी आवाज भी सुनाई दे रही थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उन बच्चों का पीछा करते करते ये हम कहाँ पहुँच गए, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, अब हम घर कैसे जाएंगे, हमें तो गांव के रास्तों का भी नहीं पता, अब हम क्या करें? दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तभी उनकी नजर जंगल के बीचों बीच एक स्कूल पर जाती है। जंगल के बीचों बीच स्कूल को देखकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं और वो उस स्कूल के पास जाती हैं। तो स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी और तभी दोनों बहनें देखती हैं कि उस स्कूल के अंदर वो सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। रात के समय बच्चों को स्कूल के अंदर जाता हुआ देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा हैरान थी। सीता, यह बच्चे रात के समय स्कूल के अंदर क्यों जा रहे हैं, और देख तो
अंदर से कितनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी आवाज आ रही है। सीता, मुझे ऐसा लगा जैसे स्कूल के अंदर से कोई हमें पुकार रहा हो, हमें स्कूल के अंदर कोई बुला रहा हो। क्या तुझे भी कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा हो। अंदर जाए, कहीं कोई खतरा ना हो। रात के समय इस जंगल के बीचों बीच इस पुराने स्कूल के अंदर जाना क्या ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि हमें इस स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। देख तो कितनी ज्यादा डरावनी आवाज आ रही है। मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आओ, स्कूल के अंदर आ जाओ। क्या तुम इस स्कूल में बच्चों को पढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती? आ जाओ आ जाओ, स्कूल के अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आ जाओ आ जाओ, स्कूल के अंदर आ जाओ। दोनों बहनें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें अंदर की तरफ खींच लिया हो और वो दोनों बहनें स्कूल के अंदर चली जाती हैं। स्कूल में पढ़ने की आवाज आ रही थी, तभी एक टीचर सीता और मीना के पास आकर कहती हैं, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं? जल्दी चलो, अगर प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें यहाँ देखा तो वो गुस्सा करेंगी और उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। इसलिए जल्दी अपनी क्लास में जाकर बैठो। तुम्हें 11th क्लास सेक्शन बी में बैठना है, ठीक है? मगर हम इस स्कूल में नहीं पढ़ते, ये हमारा स्कूल नहीं है। हम तो गांव के बाहर जो स्कूल है वहां पढ़ने जाते हैं, ये हमारा स्कूल नहीं। अब तुम इस स्कूल में आ चुकी हो ना, तो यह स्कूल तुम्हारा है। अब तुम दूसरे स्कूल में नहीं जाओगी। ज्यादा बातें मत करो। अगर प्रिंसिपल मैम ने मुझे यहाँ देखा तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा मिलेगी। अब जाओ चुपचाप अपनी क्लास में बैठो, अगर सजा से बचना है तो, समझी? दोनों बहनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने टीचर की आंखों में देखा और डर गई, क्योंकि उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। वो दोनों बहनें चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाती हैं। मीना, अब हम क्या करेंगे? हम तो इस स्कूल से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यह स्कूल कोई सामान्य स्कूल नहीं लग रहा। यहाँ सभी टीचर्स अजीब लग रही हैं और बच्चे भी ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे हैं। उनकी आंखें बहुत खतरनाक लाल चमक रही हैं। अगर हम मुसीबत में फंसे हैं तो हम इस मुसीबत से बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन हमें शांत रहना होगा। इस तरह घबराने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम दोनों इस स्कूल में नहीं हो, ठीक है ठीक है। पहले तुम्हारा टेस्ट होगा और उसके लिए तुम्हें इस स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जाना होगा। वहाँ एक किताब रखी है, तुम्हें उसे लेकर आना होगा। अगर तुम वो किताब लेकर आ गई तो ठीक है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा, समझी? दोनों बहनें स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जा रही थी और तभी उन्हें स्कूल में और भी ज्यादा डरावनी डरावनी बहुत ही आवाज आनी शुरू हो जाती है और चलते चलते स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में पहुंच जाती हैं। और दोनों बहनें वहां जाकर देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमें तुम्हारी जरूरत थी, हम बहुत समय से भूखे प्यासे हैं। आ जाओ और हमारा शिकार बन जाओ। अरे नहीं नहीं, यह शिकार के लिए नहीं है, यह तो हमें मुक्ति दिलाने आई है। हमें तुम्हारा
कब से इंतजार था। हमें मुक्ति चाहिए। हमें तुम्हारा खून और मांस नहीं चाहिए, हमें तो बस मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति मिलती रहेगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इन्हें खाकर अपना पेट भरना है, अपनी प्यास बुझानी है। मैं बहुत समय से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, भूख। देखिए, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं और आप हमारा शिकार क्यों करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक किताब लेने आए हैं। हमें उस किताब को लेकर जाने दीजिए। अगर हम वो किताब नहीं लेकर गए तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ इस स्कूल में कैद हो जाएंगे। हम कैद होना नहीं चाहते, प्लीज हमें वो किताब लेकर जाने दीजिए। और तभी उनके सामने एक चमकती हुई किताब आ जाती है। जैसे ही वो किताब दोनों बहनों के सामने आती है, आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगती है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे तेज तूफान आने वाला हो। और कुछ समय बाद तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मौसम को अचानक बदलता हुआ देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं और वो किताब को उठा लेती है। जैसे ही वो पहला पन्ना खोलती है तो स्कूल की तस्वीर बनी होती है। मीना, ये तो बिल्कुल वही स्कूल लग रहा है जिस स्कूल में हम इस समय हैं। सीता और मीना किताब का अगला पन्ना खोलती है और देखती है कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीर लगी हुई है। जैसे जैसे वो किताब के पन्ने पलटती जाती हैं, उन्हें इस स्कूल का रहस्य पता चल जाता है। सीता, यह स्कूल कभी बहुत प्रसिद्ध था, इसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन एक हादसे ने इसे आत्माओं का स्कूल बना दिया। इस वजह से गांव में और कोई स्कूल नहीं। अब इस स्कूल की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, लेकिन हम उन्हें मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? कुछ समय बाद बारिश और तूफान थम जाता है, लेकिन स्कूल में अभी भी डरावनी आवाज आ रही थी। दोनों बहनों को समझ में आ चुका था कि जिस स्कूल में वो खड़ी हैं, वो आत्माओं का स्कूल है और अब वो मुक्ति चाहती हैं। वो किताब लेकर वापस लौटने लगती हैं। तभी उनके सामने एक खतरनाक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और दोनों बहनों को हवा में उड़ाकर कहती है, तुम इंसान बहुत बुरे होते हो, तुमने हमारे स्कूल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे इंसानों से नफरत है, मैं तुम्हें मार दूंगी। देखिए, हम जानते हैं आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हम बुरे इंसान नहीं, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। हमें पता चल चुका है कि यह स्कूल आत्माओं का है और अब वो सब आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। हम आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। सीता और मीना के इतना कहते ही चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटक देती है और तभी वहाँ सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और भूतिया स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम इस स्कूल की आत्माओं को मुक्ति दिला सकती हो? हमें इस नरक जैसी जिंदगी से छुटकारा दिला सकती हो? क्या तुम सच कह रही हो? हमें इस किताब के जरिए स्कूल का पूरा रहस्य पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए हमें ऊंचे पहाड़ की गुफा में जाना होगा और वहां से उस दुष्ट चुड़ैल की राख लेकर आनी होगी जिसने इस हंसते खेलते स्कूल को आत्माओं से भर दिया। यह आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हारे लिए यह करेंगे, जरूर करेंगे। सभी आत्माएं दोनों बहनों की बहादुरी देखकर बहुत खुश होती हैं। जहां दोनों बहनें पहले डरी हुई थी, अब वो साहस दिखा रही थी और उसके बाद वो ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत डरावना था, जगह जगह भूतों की आवाज और अजीब अजीब साए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो गुफा तक पहुंच जाती हैं, जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वहां कंकाल पड़े हुए थे और भयानक बदबू भी आ रही थी। मीना, हम गुफा तक तो पहुंच गए, लेकिन राख कहाँ मिलेगी? ये जगह बहुत डरावनी है, यहाँ तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।
तुम आत्माओं के स्कूल को मुक्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें यहाँ से उस चुड़ैल की राख लेकर जाने दूंगी। उस चुड़ैल ने तो अपना काम पूरा क्या नहीं, लेकिन मैं उसका काम पूरा करूंगी और मैं शक्तिशाली चुड़ैल बनूंगी। उन सब आत्माओं को आजाद नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी आजाद। बस अमावस की रात तक मुझे उन सब आत्माओं को उस स्कूल में कैद रखना है। दुष्ट चुड़ैल, हम तो जैसे चुड़ैल से अच्छी तरह से लड़ना जानते हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें पता है कि तुझे कैसे खत्म करना है। और दोनों बहनें उस चुड़ैल का सर्वनाश कर देती हैं। वो चुड़ैल आग में जलने लगती है और कुछ समय बाद दोनों बहनों को उस गुफा में चुड़ैल की राख मिल जाती है और वो दोनों उस चुड़ैल की राख को लेकर स्कूल में पहुंच जाती हैं। दोनों बहनों को जिंदा सही सलामत देखकर स्कूल की सभी आत्माएं बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और उसके बाद दोनों बहनें उस राख को आग में दोबारा से जलाती हैं, जिस वजह से स्कूल की सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और वो सभी आत्माएं उन दोनों बहनों को धन्यवाद कहती हैं और वहां से अदृश्य हो जाती हैं। और उसके बाद वो स्कूल पहले की तरह हरा भरा और सुंदर हो जाता है। अब इस स्कूल में कोई आत्मा, कोई डर, कोई खतरा नहीं था। गांव वाले दोनों बहनों की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं और अब यह स्कूल गांव के बच्चों के लिए दोबारा से खोल दिया जाता है और दोनों बहनें भी इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लगती हैं।